दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल बबलू हिमाचली में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो है बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कैसी है, तो मैं अभी उसी का ही वीडियो बना रहा हूं। तो यह जहाँ पर अभी मैं हूँ ये है बद्दी का साई रोड। तो मैंने साई रोड के लिए पहले ही वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं साई रोड बद्दी का वीडियो। तो ये जो है साई रोड बद्दी है, जो जहाँ भी मैं चला हुआ हूँ, तो मैं बताऊँगा कि साई रोड से कहाँ को रोड जाता है, कि आप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कहाँ से एंटर हो। तो ये साई रोड बद्दी है। यहाँ पे आसपास आपको काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी। साई रोड बद्दी में कपड़ों की दुकानें हो गई, मेडिकल स्टोर हो गए, काफ़ी दुकान है यहाँ पे। और ये है लेफ्ट साइड को जो रोड कटता है, ये है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का, सामने भी लिखा है ही मुड्डा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो यहीं से ही लेफ्ट टर्न करता है ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लिए। तो आगे जो है ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है पूरी, ये गेट है हाउसिंग बोर्ड के लिए। तो दोस्तों ये है हाउसिंग बोर्ड के घर, यहाँ पे किराए के लिए रूम वगैरह मिलते हैं। तो जो आसपास जॉब करते हैं वो लोग इनके यहाँ पे उन्हें आसानी से रूम मिल जाते हैं किराए के लिए। आज बारिश हो रखी है तो इस वजह से रोड काफ़ी गीला है यहाँ पे, और पानी वानी हो रखा है हर जगह पे। ये मकान है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के। दोस्तों आपको और भी कहीं जो इलाके हैं वहाँ के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ का वीडियो भी बना सकता हूँ। ये वीडियो के लिए भी मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे कहा था, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाया है। ये जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है ये काफ़ी अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पर जो है रूम वगैरह मिलते हैं, काफ़ी रूम है यहाँ पर, सड़कें भी अच्छी हैं यहाँ की। और यहाँ से बद्दी लगभग जो मेन बाज़ार है 4 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में साईं भगवान जी का मंदिर भी है। ये सारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। आप यहाँ पे अगर आपका अपना व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ बद्दी से ऑटो करके भी यहाँ तक आ सकते हो, सड़कें काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो हाउसिंग बोर्ड के पास में ही थोड़ी सी दूरी पे यहाँ का बद्दी का इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पे आस पास बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि अबॉट फार्म हो गई, पी डी लाइट्स के प्लांट हो गए, और भी बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 1 किलोमीटर एरिया के अंदर अंदर। और हाउसिंग बोर्ड की जो मार्केट है वो सामने साई रोड पे ही पड़ती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे साईं बाबा जी का मंदिर भी कहाँ जैसे है। मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि हाउसिंग बोर्ड में साईं बाबा जी का मंदिर कहाँ है, तो ये है साईं बाबा जी का मंदिर हाउसिंग बोर्ड में। मैंने मंदिर के बारे में वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके बद्दी वाली प्ले लिस्ट में वहाँ जाके आप देख सकते हैं साईं बाबा जी का मंदिर। और मैंने दूसरे एक और मंदिर है जो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ी पे जाके स्थित है, उसका भी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये है साईं बाबा जी का मंदिर। यह है कॉलोनी यहाँ की। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, फिर मैं पूरा पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया सा लग जाए, अगर आपने फ्यूचर में कभी
और कॉलोनी में आना है यहाँ पे, तो आपको पता हो कि किस तरह की कॉलोनी है और आपने कहाँ जाना है। तो मैं वीडियो बीच में से काटा नहीं है, पूरे पूरे वीडियो को दिखा रहा हूँ। ये सारे यहाँ पे आप कहीं भी रूम ले सकते हो रेंट के लिए। और दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी और तरह के अपडेट चाहिए बद्दी के बारे में या फिर हिमाचल के किसी और जगह के बारे में, तो मैं उनको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी मैं वापस जो है साईं रोड की तरफ जा रहा हूँ कॉलोनी से घूम के। काफ़ी बड़ी कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड की बद्दी की। तो अभी ये है वापसी का रोड। तो दोस्तों ये थी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी।